हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है हमारा लास्ट डे चांदनी चौक का, तो हम जल्दी से हमने घर का काम निपटा दिया है। और काजल ने आज मेरी बहन ने बनाए हैं पथ्यूर, ये आप देख सकते हैं, और सैंडविच बना रखी है। भाई हम भाई बहन के अंदर कुक कुक के टैलेंट हुआ है। गाइस मैं जल्दी से पथ्यूर टेस्ट करती हूँ और आपको टेस्ट करके बताती हूँ काजल के हाथ में वो स्वाद है या नहीं है। जैसे मतलब मेरी मम्मी बनाती है ना, मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है और मेरी दादी भी काफ़ी टेस्टी बनाती है, और ये हमारे उत्तराखंड की फेमस डिशों में से एक है। गाइस आज तो मेरी बहन काजल ने दिल छू लिया है, उसने पथ्यूर बहुत टेस्टी बनाए थे, मतलब जैसे मम्मी बनाती उसी तरीके से ही बनाए थे। और नाश्ता करने के बाद हम लोग चांदनी चौक के लिए निकल गए थे, और पता है आज मैंने मेट्रो में क्या देखा कि एक लड़की ने आराम से मजे से खाना खा रही थी, जबकि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि खाना खाना अलाउड नहीं है मेट्रो के अंदर, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जबकि मेरा बेटा नक्शु इतना छोटा है, वो मुझे बार बार टोकता रहता है, अगर मैं उसको बिस्किट खिलाऊंगी ना तब भी वो बोलता रहता है मम्मी प्लीज मुझे नहीं खाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं खाना है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोग अभी पार्क में बैठे हैं जो मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में है, और एक काजल खा रही है खिचड़ा, ये देखो जरा, ये लाइए मिठाई के डब्बे में ताकि हम इसको यहीं पर फेंके, इस डब्बे को कौन से घर लेके जाएगा। गाइस खिचड़ा नहीं है, पुलाव है, इसमें देखो वो भी है न्यूटी खिचड़े में न्यूटी नहीं होती। तो गाइस हम लोगों ने जल्दी से अपना प्लाव फिनिश किया क्योंकि हम लोगों को भाई आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और गाइस आप देख सकते हैं चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियाँ, यहाँ के ना बहुत सारे रास्ते हैं मार्केट में जाने के लिए। हम लोग चांदनी चौक में सबसे पहले आए नायरा सिल्क साड़ी स्टोर में। हम हमेशा जब भी चांदनी चौक आते हैं ना सबसे पहले इन्हीं भैया की शॉप में आते हैं कि ना इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है, और मतलब यहाँ पर ना सिल्क की साड़ी आपको बहुत अच्छी मिलेगी, प्राइस भी रिजनेबल है। और आप ना भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर, जब भी मैं आती हूँ ना यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है। अगर आपको एक अच्छी साड़ी लेनी है ना तो यहाँ पर विजिट करना बिल्कुल स्किप मत करना। और अगर आप कभी भी चांदनी चौक आ रहे हैं ना, आपको इनका नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इनका नंबर सेंड कर दूंगी, ऊपर से किसी लड़के को भेज देंगे आपको लेने के लिए ताकि आप इनकी शॉप में इजीली आ सको। और उसके बाद हम लोग आए दूसरी शॉप में, माँ दादी मती, कपिल भाई के नाम से ये शॉप बहुत फेमस है पूरे चांदनी चौक में। यहाँ के सूट बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम ना राहुल की शादी में भी हम लोगों ने यहीं से सूट लिए थे, तो सभी लोगों ने सूट की काफी तारीफ करी, सभी को सूट यहाँ के बहुत अच्छे लगे, इसलिए हम दोबारा से इन्हीं भैया की शॉप में आ गए। इनके ना प्राइस भी काफी रीजनेबल है। लास्ट टाइम जब मैं राहुल की शादी की शॉपिंग कर रही थी ना तो हम लोग अरुण वस्त्र भंडार में गए थे, बट गाइस वहां पर ना सूट आपको अच्छे से दिखाते भी नहीं है, जल्दी जल्दी पैक कर लेते हैं, तो मुझे वहां पर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। हमने वहां से सिर्फ दो तीन सूट ही लिए, हम लोगों ने यहीं से सारे सूट लिए थे। ये यहाँ का एड्रेस क्या होगा? यहाँ का एड्रेस होगा चांदनी चौक नई सड़क, कटरा अनूप सिंह, कपिल भाई सूट वाले। अच्छा गाइज आप देख सकते हैं ये मिस काजल सूट देख रही हैं। ये हमारे सारे स्टाफ भाई हैं, भाई लोग, वी आर डीलिंग होलसेल का काम है, होलसेल ही गाइड करते हैं। फोर पीस का सेट होता है, कलर डिफरेंट होते हैं, डिजाइन पैटर्न ऐसे सेट वाइज। और कुछ दिखाओ, देखो एक आइटम ये देखो, ये आइटम अच्छी दिखा रहा हूँ, फिर करो। आइटम समझ कल से मैं ब्लॉग बनाना चालू करता हूँ, मैं तो बोलते रहना। तो गाइज आप देख सकते हैं भैया ने हमारे सूट पैक कर दिए हैं। अगर आपको लेने देने के लिए सूट लेने हैं ना तो भाई इससे बेटर कोई दुकान हो ही नहीं सकती है चांदनी चौक में, यहाँ एक बार विजिट जरूर करना। और यहाँ पर ना अपने लिए भी सूट बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम यहाँ से दो सूट लिए थे। उसके बाद हम लोग गए लहंगा लेने क्योंकि आज काजल का लहंगा मिलना था, और जहाँ से हम लोगों ने लहंगा लिया था ना तो मनीष भैया के जानने वालों की शॉप थी, इसलिए भैया आराम से हमारा सामान पैक करवा रहे हैं। और भैया ने ना मतलब कूली के पास हमारा सामान ना मेट्रो स्टेशन भिजवा भी दिया था, सच में यारी भैया बहुत ही स्वीट है। और गाइज उसके बाद हम लोगों को लगी थी बहुत ज्यादा भूख, हम लोगों ने खाए मोमोज, और उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज यार कमेंट कर लिया करो, इससे क्या होता है मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। मिलते तुम होते नेक्स्ट वीडियो में। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय।